पड़ा इसमें। बर्फ वाले? हाँ बर्फ वाले पकौड़े होने। हाँ अच्छा भाई लोग अम्मी जी कहती है कि बर्फ वाले पकौड़े भी होते हैं अभी। अम्मी जी कहती है कि ऐसे खा जाओ कच्चा मिसाला। देखे भाई लोग अम्मी जी कहती है ऐसे खा ले अम्मी जी। कामरान क्या है ऐसे खा ले? अम्मी जी कहती है थक भी गए। वाह अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे साहब दोस्त खैर वाफिया से होंगे। आज की डेली रूटीन का आगाज़ करते हैं। आज का भी लोग बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है। आज हम बनाने रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं और वो भी खाने की है। आप सुन के नाम उसका हैरान परेशान हो जाएंगे। आप पहली दफ़ा उसका नाम सुन रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बर्फ़ वाले पकौड़े और लच्छेदार पकौड़े। साथ में बर्फ़ भी होगी और लच्छेदार पकौड़े भी बनेंगे। अभी जो है ना अम्मी जी उनकी तैयारी कर रही हैं, तैयारी में लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अम्मी जी जो है ना वो आलूओं को क्रश कर रही हैं, तो फिर लच्छेदार पकोड़े बनाएंगे, बर्फ़ वाले पकोड़े बनाएंगे। आपने पहली दफ़ा सुना है ना बर्फ़ वाले पकोड़े, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बर्फ़ वाले पकोड़े कैसे बनते हैं। आइए चलते हैं अम्मी जी के पास। यहाँ पर देखें जी अम्मी जी जो है ना आलू को छील रही हैं। आलू छिले ने पैर क्या करे सवाल? बर्फ वाले? बर्फ वाले पकौड़े होने। अच्छा भाई लोग अम्मी जी कहती है कि बर्फ वाले पकौड़े भी होते हैं। वैसे आपने सुना है बर्फ वाले पकौड़े नहीं होते, क्योंकि बर्फ कहाँ से आएगी पकौड़ों में? वो तो गर्म होते हैं ना पकौड़े, तो गर्म होते। बर्फ वाले होने? बर्फ वाले तो समझे सो। अच्छा आज बना के दिखा सो सामने। हाँ अम्मी जी कहती है कि मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, जैसे बन जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा। तो बर्फ वाले पकौड़े खाएगा? ये कहता है मैं नहीं खाता क्योंकि ठंडे होते हैं इसलिए। अभी देखिए अम्मी जी इनको आलू को जो है ना वो कर रही है, अभी इनको छोटा करेंगे। देखिए अम्मी जी जो है ना उसकी ना वो बना रही हैं। ये देखे अम्मी जी जो है ना ये सारा क्रश कर दिया है। अभी इसके अंदर ना मिर्चें भी मिक्स करेंगे, फिर जो जो आइटम होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। आप जो है ना अम्मी जी जो है ना देखे मिर्चों को क्रश कर रही हैं। एक तो आजकल मक्खियों ने भी तंग किया हुआ है। जो है ना देखे मिर्चें और सब्ज धनिया भी इसमें मिक्स कर रही हैं, और अब लाल मिर्चें। हाँ साडो साडो ये धनिया, सूखिया धनिया भी डालोगी इसमें है? सूखिया धनिया भी जो है ना इसमें डालेंगे। आप जो है ना इसमें देखें लाल मिर्चें भी डाल दिए हैं, नमक भी डाल रही हैं अम्मी जी। नमक से टेने पे हो? अच्छा हसब नमक जो है ना जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। नमक देखें अम्मी जी जो है ना नमक को छिड़का रही हैं। ये सब सूखी धनिया जो थी ना इसको कूट दिया, पीस करके बारीक करके पीस के साडो साडो। हाँ रला दो। अब अम्मी जी जो है ना इसमें मिक्स कर रही हैं। और ये हाथें भी ठीक है, हाथ भी ठीक है। अब इसके अंदर ना बेसन डालेंगे अभी। अम्मी जी कहती है कि ऐसे खा जाओ कच्चा मिसाला। देखे भाई लोग अम्मी जी कहती है ऐसे खा जाओ, ऐसे खा जाओ अम्मी जी। हाँ अभी तो रोज आना, रोजे के बाद ऐसे खाएंगे। हाँ इधर देखो ना रोजे के बाद ऐसे खा दें। हाँ खा जाओ ऐसे खाएंगे।
वाह वाह, अमित जी कहते हैं ऐसे खा जाए आप। मैं कामरान, क्या है ऐसे खा ले? अमित जी कहते थक भी गए। वाह अमित जी, अभी इतनी देर से भी आप थक भी गई हैं। अब जो है ना देखे बेसन डाला जा रहा है। हाँ किधर गए थे? थक तो गए। तो बाहर से कौन आ गया भाई? हाँ सट्टो सट्टो मैं दे देख रही। इसके अंदर जो है ना देखे अम्मी जी बेसन डाल रही हैं। ये कितने सारे पकौड़े बनेंगे? ये सारे बन जाएंगे तो? ये कितना था? 1 किलो था? ओह अम्मी जी जो है ना अब इसके अंदर पानी भी डालेंगे। अब ऐसे खा जाए ऐसे, मैं तो कहता हूँ ऐसे खा जाए। क्यों? हाँ तेल की बचत, घ्यो की बचत, टाइम की बचत। हाँ बर्फ वाले पकौड़े। हाँ अभी जो है ना इसमें बर्फ भी तो डालेंगे ना हम। ये तो अभी अम्मी जी पानी डाल रही है ना। अरे तू भी खा से बर्फ वाले पकौड़े। तू भी खाएगी बर्फ वाले पकौड़े? हैं नहीं खाएगी? मिर्चें लगती हैं? मिर्चें लगती क्यों? मीठे खाएगी? मीठे पकौड़े भी बनते हैं, मीठे भी नहीं खाएगी? एक दिन भाई लोग देखे अभी जो अम्मी जी जो है ना, हाँ अभी जो है अम्मी जी ये तैयार हो गया। बड़ा जल्दी तैयार कर लिया आपने तो, हैं? देखे ये अभी जो है ना अम्मी जी ने तैयार कर लिया, बस थोड़ी सी देर नमाज शमाज पढ़ लें उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। यहाँ पे भाई लोग देखें आग जो है ना जल गई है। अभी अम्मी जी जो है ना नमाज, अम्मी जी ने नमाज पढ़ ली है देखें। तो अभी अम्मी जी बाहर आ रही हैं। अभी जो है ना अम्मी जी देखें घी चा के उठा के आ गई हैं। बाबाल वैसे अभी जो है ना अम्मी जी देखे इसमें अंदर घी डालेंगी। घी स्टैंड पे हो है? कामरान आपकी हेल्प करा रहा है? कोई ना, सारे हेल्प करा रहे। ये जिशान भी, ये कामरान भी। अम्मी जी आप खुद घी को डाल रही हैं। थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा जो सटेंड होता है सट्टो। आग जो है ना जलाई जा रही है देखें फुल। अभी इसको ना धीमी आंच पे करेंगे क्योंकि तेज आंच पे ये नहीं पकोड़े जो है ना वो फिर सड़ ना जाए ना कहीं। घी की देखें, घी जो है ना फुल इस वक्त तैयार हो चुका है देखें। अब अम्मी जी जो है ना डाल रही हैं इसके अंदर। तू खाएगी पकौड़े? अब खाएगी? मज़ा आएगा खाने में? मज़ा है? ये बन रहे जी लच्छेदार पकोड़े, मजेदार। अभी हमको तो रोजा है, जब रोजा अफ्तार करेंगे तो फिर पता चलेगा ना। लच्छेदार पकोड़े जी, मजेदार पकोड़े, पकोड़े पकोड़े।
अम्मी जी जो है ना पकौड़े तैयार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ रहते हैं। चौके रहा चौकी देर लग सी, चौके बना ले वे। ओ ये थोड़े जा इसमें बर्फ भी डाल रहे हो? बर्फ भी अच्छे, बर्फ तो वो तो फिर घी में वो हो गए मिक्स हो रही है। अच्छा अम्मी जी कह दिया जी बर्फ जो है ना वो मिक्स हो रही है। सामने ये लोग खा रहे हैं गरम गरम, फूंक फूंक मार मार के खा रहे हैं, फूंक मार मार के। इसकी जबान सड़ गई है, फिर क्या मसला? पकौड़े लच्छेदार है ना ये, बर्फ वाले ऐसे ही बनते हैं। फिर लोग सामने जो है ना तनूर जल रहा है, रोजे का टाइम हो चुका है। अम्मी जी जो है ना सामने पकोड़े बना रही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना अम्मी जी देखें पकोड़े अभी बस नजदीक ही लगा के बैठी हैं। कामरान जो है ना ऊपर से खाने की कोशिश कर रहा है, देखें। अम्मी दे दे उसके मुंह में, दे दे इसे, ऐसे दे दे। अरे पकौड़े लग गए नहीं, कैसे लग गए नहीं? मकौड़े पकौड़े कैसा कैसा पकौड़े? लच्छे वाले, बर्फ वाले, बर्फ वाले, बर्फ वाले। अच्छा मजे वाले हैं, मजा आता पिया खा मतलब, क्या नहीं आता पिया? मजा आता पिया है, आने भी पता। चलो बाज भाई लोग बर्फ और लच्छे वाले रोटीदार पकोड़े बांध के तैयार। ये बर्फ और ये लच्छेदार पकोड़े रोटी वाले बना के दे, बांध के दे। अच्छा रोजे दिए इंतजार है। अच्छा भाई लोग बर्फ वाले पकोड़े, लच्छेदार रोटी वाले पकोड़े बांध के तैयार हो चुके हैं, तो खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। बच्चों ने खाए हैं, हमारा तो अभी रोज़ा है, अभी रोज़े में तकरीबन 10-1 मिनट पड़े हैं अफ्तार करने में से। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दिल से इस घंटी को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रखें अपने और अपने प्यारों का ख्याल, मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय।